हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। WTC के फाइनल में अचानक हो गई बाबर के बल्ले की एंट्री। बाबर आजम के बल्ले ने ही टीम इंडिया को दिया बड़ा जख्म। जिस बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर ने जड़ा शतक, वो बल्ला बाबर का निकला। यानी कैसे बाबर के बल्ले ने भारतीय गेंदबाजों की बैंड बजा दी। विराट कोहली से हाथ मिलाया था, बंदे को शतक आ गया, मतलब बाबर आजम ने बल्ला दिया था ट्रैविस हेड को, और उसी बल्ले से जो इंडिया को धो दिया है। तो जो बैट बाबर आजम ने ट्रैविस हेड को पाकिस्तान में दिया था, उसी बैट से भारत के खिलाफ पहली पारी में 163 रन की बड़ी और मजबूत इनिंग खेली। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो वही बैट नजर आता है जो बाबर आजम ने ट्रैविस हेड को गिफ्ट के तौर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग खुश होंगे। और जाहिर सी बात है, आज का मैच आपने देखा होगा, WTC का फाइनल था, तो मुझे लगा आज इंडिया अच्छी फाइट बैक देगा, कम बैक करेगा। पर मैं जैसे उठा तो इंडिया हार भी चुका था और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था। कमाल की बात यार, इन्होंने ये तो बिल्कुल लेट गए। तो बड़े दुख की बात है इंडिया के लिए, लेकिन खुशी की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन वेल डिजर्व विक्ट्री बाय ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और मुझे पहले लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा, क्योंकि पहले ही दिन ये हो चुका था, साबित हो चुका था कि इंडिया हार जाएगा। इंडियन बॉलर्स को तो बिल्कुल रुला डाला, धुलाई कर डाली, ठुकाई कर डाली उनकी, बिल्कुल लेट गए थे वो जिस तरह शुरू में ही। तो अच्छा, दूसरी बड़ी अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ। जिस तरह आपको पता है, आपका पड़ोसी मुल्क बहुत ही ख्यालों की दुनियाओं में रहता है, तो अब वो इस ख्याल की दुनिया में रह रहे हैं कि जो जिस बंदे ने ट्रैविस हेड ने कूटा इंडिया को, वो बैट उसने बाबर आजम का यूज़ किया है। तो बाबर आजम के बैट ने इंडिया की फिर टुकाई कर डाली, 152-0 की याद दिला डाली इनको, और बेहतरीन उसने धोया। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वो बंदा मैन ऑफ द मैच भी बन गया। तो अब तो इंडिया में मातम हो रहा होगा, रो रहे होंगे वो लोग कि यार बाबर ने इसको गिफ्ट किया। अब इसको कहेंगे इसकी इसमें भी पाकिस्तान की साजिश है, इसमें भी पाकिस्तान की चाल है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि भारतीय मीडिया वाकई बोल रहा है इस तरह कि क्या मानो, मतलब बाबर आजम के बैट से धोया यार, और बड़ा गलत हुआ और ये वो। जिस तरह विराट कोहली की फॉर्म वापस नहीं आ रही थी, और बाबर आजम ने उसके लिए मतलब दुआएं की और विश यू ऑल द बेस्ट भी कहा, और दिस शैल टू पास ऐसी बातें उसने की। उसके बाद विराट कोहली से जब बाबर आजम ने हाथ मिलाया, तो इंडियंस कह रहे हैं कि उसके बाद कोहली की फॉर्म लौट आई, और ये हो गया तो वो हो गया। यार कितनी ख्यालों की दुनिया में रहते हो आप लोग यार। और सूर्य कुमार यादव को भी कह रहे हैं कि तुम्हारी फॉर्म भी चली गई, जाओ बाबर से हाथ मिला कर आओ। तो हद हो गई यार। हालांकि कोहली से हाथ मिलाने के बाद बाबर आजम की अपनी फॉर्म चली गई थी, एशिया कप में भी उसके बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, वर्ल्ड कप में भी फॉर्म में नहीं था। तो ये तो हमारे लिए वाकई दुख की बात है कि आपसे मतलब हाथ भी ना मिला हम लोग ना, कहीं आपकी फॉर्म वापस आ जाए और हमारी फॉर्म ना चली जाए। खैर ये तो ख्याली दुनिया वाली बातें यार, इस तरह होना नहीं चाहिए, और ना हम इस तरह सोचते हैं, ऐसी फजूल बातों को ना हम सोचते हैं, ये वही सोचते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वो लोग वाकई इस तरह कह रहे हैं। WTC के फाइनल में अचानक हो गई बाबर के बल्ले की एंट्री। बाबर आजम के बल्ले ने ही टीम इंडिया को दिया बड़ा जख्म। जिस बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर ने जड़ा शतक, वो बल्ला बाबर का निकला। जानिए कैसे बाबर के बल्ले ने भारतीय गेंदबाजों की बैंड बजा दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के लंदन के द ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बेहद शानदार तरीके से खेला जा रहा है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम पर अभी तक बढ़त बनाई हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी। दरअसल वहीं जैसे ही ट्रैविस हेड ने इतनी दमदार पारी खेली, उसके बाद से ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से एक बैट लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर सब यही कह रहे हैं कि बाबर आजम ने जो बल्ला हेड को गिफ्ट दिया था, उसी बल्ले से उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2021-22 ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान दौरे की है, जहां बाबर ने हेड को अपना एक बैट गिफ्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद यही कहा जा रहा है कि ये वही बल्ला था जिसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने WTC फाइनल में टीम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, और इसे बाबर ने उन्हें गिफ्ट दिया था। बाबर आजम जिस पर भी हाथ रख देते हैं, उसके जिंदगी बन जाती है। ये मैं बाद विराट कोहली का प्रदर्शन आप लोगों की पता है कि एशिया कप में कैसा रहा था, शतक आ गया था, विराट कोहली से हाथ मिलाया था, बंदे को शतक आ गया, मतलब। तो कई बार ऐसा होता है, अभी बीच में सूर्य कुमार यादव का फॉर्म खराब हुआ, तो कई लोग ये कह रहे थे कि भाई बाबर आजम से हाथ मिला ले, तुरंत फॉर्म में वापसी हो जाएगी। ट्रैविस हेड ने भारत के गेंदबाजों को जमकर धोया, 163 रन उन्होंने पहली पारी में बनाए। एक तो एक वीडियो जो है इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है,
और वायरल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस वीडियो में बाबर आजम जो है ग्रेट निकल्स का बल्ला जो है अब इस हेड को देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ऐसे में अब लोग ये बोल रहे हैं कि जो बाबर आजम ने बल्ला दिया था ट्रैविस हेड को, अब उसी बल्ले से जो इंडिया को धो दिया है, तो ट्रैविस हेड के लिए वो बल्ला काफी ज्यादा लकी हो गया क्योंकि बाबर आजम ने दिया है। तो कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों की कुटाई की, जिसमें ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जड़ा और जिस बल्ले से उन्होंने शतक लगाया वो बाबर का बल्ला था जो बाबर ने उन्हें गिफ्ट किया था, ऐसा सभी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ये तो देखा जा सकता है कि बाबर ने हेड को एक बल्ला गिफ्ट किया, लेकिन क्या ट्रेविस हेड वही बल्ला लेकर मैदान में उतरे थे, इसका अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। गौरतलब है कि लंबे वक्त बाद पाकिस्तान के दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज खेलने के लिए पहुंची थी, उन्होंने एक गिफ्ट बल्ले के रूप में ट्रेविस हेड को भी दिया था जिसकी उस वक्त खूब चर्चा हुई थी और आज भी हो रही है। पहली पारी में ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 174 गेंदों में 163 रन की पारी खेली, लेकिन इन सभी के बीच ट्रेविस हेड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये वीडियो साल 2021 का है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में दौरा करने के लिए पहुंची। इस दौरान बाकी यार आप ये देखें कि इंडियन बॉलर्स की धुलाई ठीक ठाक हुई है, जबकि मोहम्मद सिराज मुझे बहुत अच्छा एक बंदा लगा, आने वाले फ्यूचर उसका काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन फिर भी उनको विकेट्स लेना नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा हुनर है जो होना चाहिए एक बॉलर के अंदर के शुरुआती ओवर्स में विकेट ले, लेकिन ये हुनर इनमें नहीं है। मैं एक चीज़ के लिए सोच रहा था एक पल के लिए कि अगर इनके पास पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप होता और बैटिंग इनकी अपनी होती तो वाकई बड़ा फ़र्क पड़ता, जैसे शाहीन अफरीदी है, अपना हारिस रऊफ है, शादाब खान है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, नसीम शाह है, तो आराम से विकेट ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। जबकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेलने आया था तो वनडे सीरीज हम जीत गए थे और T20 तो था ही एक मैच, तो उसमें क्या डिसाइड होना था, और इसके अलावा टेस्ट तीन टेस्ट थे तो दो हमने ड्रॉ कराए थे, तीसरा भी आखिरी दिन के बिल्कुल आखिर में जाके हम लोग हारे थे बाबर आजम के 196 रन से, इसी ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसको वो सी टीम कह रहे थे तब, तो आज मतलब आप सी टीम से हारे हो ना, तो इंडिया सी टीम से भी हार गया है ऑस्ट्रेलिया की, तो कमाल की बात है, यही लोग हमारे पास आए थे तो सी टीम थे, अब यही लोग वहाँ जाके खेल रहे हैं तो अब वो जाहिर सी बात ए प्लस टीम हो जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, तो एक बचकाना मेंटेलिटी इंडियन मेंटेलिटी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। खैर ये थी हमारी वीडियो, आपने देखा कि वाकई वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बचकाना बातें कर रहे हैं यार, 130-140 करोड़ का मुल्क है यार, मतलब मुल्क चल कैसे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे लोग अगर यहाँ पर रहते हैं और इस तरह के मीडिया उन पर रूल कर रहा है तो ऑफकोर्स ये कोई सुन रहा है तो वो बोल रहे हैं ना, उनको पता है कि हम ऐसी बोंगियाँ मारेंगे तो भी लोग सुन लेंगे हमारी बात, तो सबसे बड़ा सोचने वाली मरला तो सोचने वाली बात तो यही है कि ऐसी बातें भी लोग सुन लेते हैं, आप यकीन भी कर लेते हैं। इससे पहले भी एक सीन हुआ था, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तानी कमेंट्री करती है लड़की, वो उसके साथ जिस जिसकी पिक्चर थी इत्तेफाक से वो टीम पाकिस्तान से हार रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इसमें पाकिस्तान का कहीं जादू टोना तो नहीं, तो ये तो नहीं ज़ैनब अब्बास जिसके साथ पिक्चर खिंचवाती है वो टीम हार जाती है, फिर इस तरह विराट कोहली के साथ भी पिक्चर आ गई उसकी और पाकिस्तान से हार गया इंडिया, तो उस पर भी कहानियाँ उन्होंने बना दी, देखा विराट कोहली के साथ पिक्चर खींची विराट कोहली भी हार गया और ये वो, फिर बाद में पता चला कि वो पिक्चर दो दिन पुरानी है भाई, तो यार खेलने वाले पे डिपेंड करता है ना कि खेल कौन रहा है, उससे तलवार आप उठा के किसी की भी किसी को दे दो लेकिन जिसको तलवार चलाने ना आती हो तो वो बंदा किस काम का तलवार की, तो यार खैर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।